हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भट्टी रोजगार विदंग के चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैप्टर वन आपने देखा, बहुत कम क्वेश्चन मैंने हालांकि उसमें कराए एनालॉजी टेस्ट में, वो इसलिए कि हर किसी की बुक में भर भर के क्वेश्चन मिल जाएंगे उसके, तो जितने ज़्यादा आप पढ़ोगे उतने ज़्यादा चांस एग्जाम में मिलने के रहेंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन मिल जाता है कई बार, और नहीं भी मिला तो आइडिया बहुत अच्छा हो जाएगा आपको लगाने का कि भाई किस तरह से इनको लगाते हैं। तो प्रैक्टिस हमेशा अच्छे से काम आती है। तो चैप्टर टू रीजनिंग का, मैंने बोला चैप्टर वाइज हमें करना है, तो पहली वीडियो में यही बताया था कौन कौन से चैप्टर हैं। तो चैप्टर टू पढ़ रहे हैं हम क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। वर्गीकरण भी तीन टाइप्स में हम बांट सकते हैं, एक वर्ड्स का यानी शब्दों का वर्गीकरण, जैसे ये है आपको दिखाई दे रहे हैं, तबला, तानपुरा, सरोद, सितार, अंकगणित, गणित, ज्यामिति, बीजगणित, ये शब्द हैं, तो इसलिए शब्दों का वर्गीकरण। लेटर्स का, ए बी सी डी के अक्षरों का भी, अंतर से भी वर्गीकरण, भिन्न छांटो, इसमें क्या बोलते हैं इसको, अन्य तीन से भिन्न छांटो, वही है वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब अलग अलग कर दो, बांट दो। नंबर्स का वर्गीकरण, संख्याओं का, अंकों का वर्गीकरण, तो वो आएगा। तो तीन ही टाइप के होते हैं, बताओ इनसे अलग कौन सा वर्गीकरण होता है, मुझे इनसे अलग कुछ होता ही नहीं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, तो वो हिंदी के शब्द भी हो सकते हैं, वो अंग्रेजी के भी, अंग्रेजी में इनका ही अंग्रेजी मीनिंग लिखा हुआ है, क्योंकि कई बार हिंदी का हमें कम समझ आता है, अंग्रेजी का अच्छा आता है, तो इसलिए दोनों में हमें आदत बना लेनी चाहिए कि जो शब्द हिंदी में समझ नहीं आ रहा कहीं अंग्रेजी में तो नहीं आ जाएगा, हमें समझ में देख लेते हैं एक बार, ऐसा हो जाता है कई बार, ठीक है। तो जैसे तबला, तानपुरा, सरोद, सितार, और आप देखो अंग्रेजी में भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, यही वर्ड हैं, क्योंकि तानपुरा हमने सोचा कि शायद अंग्रेजी से ही कुछ समझ में आ जाए, उधर देखा वो भी तानपुरा ही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब तानपुरा हमने ही आज तक नहीं देखा, बाकी सब ने देख रखा। तो भाई इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे अलग करती है और क्यों अलग होती है? तो मैं बोलूं कि आप सरोद को देखना, अगर आपने नहीं देखा है तो पिक मिल जाएंगी नेट पर, वहां से देखना। सितार को देखना, सब में तार होता है, तबला में सिर्फ तबला ही होता है बजाने का, तार वार का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, तानपुरा कैसा होता है जी, देख लेना, अब मैं क्या यहाँ बना के दिखाऊँ या बन जाऊँ खुद तानपुरा, तो वो तो हो नहीं सकता। चलो क्वेश्चन नंबर दो, अंक गणित, गणित, ज्यामिति और बीजगणित, अंग्रेजी में देखूं अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री और एलजेब्रा, ये सब मैथमेटिक्स ही होते हैं, गणित के ही पार्ट हैं, पर गणित गणित का पार्ट नहीं। इस लॉजिक पर बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे सेकंड, मिनट, घंटा, घड़ी या समय, तो समय या घड़ी अलग हो जाएगा, तो बात वही है ये, ठीक है, ये उसके पार्ट है, पर ये गणित तो गणित होता ही नहीं, वो तो उसके पार्ट है गणित का, या तो ये पार्ट हो गया, ये हो गया, ये होगा, ठीक है। चलिए आगे, ये सब आए हुए हैं, मैंने बोला मैं एसएससी वाले ही क्वेश्चन लूंगा क्योंकि उसमें वैरायटी ज्यादा होती है, बाकी में तो एग्जाम कोई 4 साल में हो रहा है, कोई 5 में हो रहा है, कुछ पता ही नहीं है। लाल, भूरा, हरा, पीला, क्यों? देखिए जब रंग ही है सारे, या तो यहां कोई सा लिख देता रंग तो मैं कहता रंग अलग है, जैसे ऊपर वाला, तो फिर ऐसे कह देता, पर यहां तो सारे रंगों के नाम हैं, तो रंगों में फिर अलग कौन सा करें? फिर देखिए जब रंगों में अलग की बात होती है, सबसे पहले हमारा रेनबो के कलर्स पे ध्यान जाना चाहिए, इंद्रधनुष पे जाना चाहिए ध्यान, और विब ग्योर इंद्रधनुष के रंगों का क्रम है, तो भूरा उसमें नहीं है, इसलिए, ठीक है सब। अब आप कैसे, अब कहोगे जी इंद्रधनुष पे क्यों गए? देखिए और कोई आप बताओ मुझे कि जहां पर फिक्स कलर होते हों तो मैं उस पर चला जाऊंगा, ठीक है। आप कहो हमारे तिरंगा में, ऐसे तो किसी और का कोई और झंडा हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये सब आगे, हत्या, वध, कत्ल, अपहरण, बिल्कुल सीधी सी बात है, बाकी तो सब में आदमी खत्म ही है,
इसमें ही बचा रहता। अपहरण, इधर देख सकते हो क्या है इसका मतलब। चलो आगे बढ़ते हैं। साय प्रातः दोपहर रात्रि, ये बड़ा खतरनाक सवाल है। अब आप इसमें बताओ क्या लगाओ। देखिए ये तो सब एक पहर है, एक टाइम है, कब सुबह कर लूंगा, कब शाम कर लूंगा, कब दोपहर कर लूंगा, लेकिन ये पूरा पीरियड है रात्रि, ये कोई किसी एक निश्चित टाइम को नहीं कह रहा। रात तो बहुत बड़ी है, ये ऐसा होता दिन, दिन की तरह कह दी ये बात। मान लो जैसे प्रातः सायं दोपहर और यहाँ कह देता दिन, तो दिन को ये अलग करोगे, ऐसे ही रात अलग हो जाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए आगे बढ़ जाए अब। ठीक है आगे बढ़ जाते हैं, रात्रि तक तो हो गया। अरे रुक जा, हाँ चलिए भाई देखिएगा। आलिंगन देखना, दृष्टिपात एक टक देखना, अगर आपको दिखता है। देखिए अब शब्द आ जाता है इस टाइप का, आलिंगन क्या है ये हो सकता है समझ में ना आए। अंग्रेजी से समझ में आजकल तो खूब यूज होता है, हग, गले लगना, ठीक है, हगिंग, तो गले लगना बोलते हैं, तो वही है आलिंगन। देखना, दृष्टिपात करना, एकटक देखना, तो बताइए क्या हो सकता है, यही अलग होगा। बाकी सब में तो देखने वेखने की बात है, मेल मिलाप की बात इसमें ही है। चलो आगे आ जाओ। फाई गामा डेल्टा पीसो, ये तो सब ग्रेटर नोएडा के सेक्टर हैं, और ये मुद्रा है, तो ये तो ग्रेटर नोएडा वालों को फायदा हो जाएगा यहाँ पर। बाकी ये सब मैथ्स में भी यूज होते हैं, इकाई यूज होती हैं, तो आप ऐसा कह सकते हैं। चलिए साइंस और फिजिक्स की राशियाँ फाई डेल्टा वहाँ बहुत यूज होती हैं, गामा एल्फा बीटा वो सब वहीं से हैं, यहाँ सेक्टर उसी से बने हैं। यहाँ आठवां, वर्ग समकोण त्रिभुज, समचतुर्भुज, समकोण त्रिभुज, तो इस टाइप के दे रखे हैं। तो देखिए अब आप लगाइएगा क्या लगा सकते हो, कौन सा, बी ए डी, क्या बोलोगे आप, कोई बालक बताओ जिसमें दम हो यहां। डी कौन कह रहा है, डी चौथ बी, अच्छा ए, चारों भुजा बराबर, सम भुज त्रिभुज, तीनों भुजा बराबर, समबाहु त्रिभुज, सम चतुर्भुज, चारों भुजा फिर बराबर, सम चतुर्भुज, इसकी तीनों भुजा बराबर होती है क्या? क्या ओहो, ये भाई ये थोड़ा सा गलती से लिख गया, स्क्वायर कर दीजिए इसको, अंग्रेज बन गया। चलो ठीक है, स्क्वायर है ये यहाँ गलती से लिख गया, पर इसका उत्तर वो है, यहाँ स्क्वायर ही मानिएगा। अच्छा ये वर्ग वो वाला लिख गया है, गूगल ट्रांसलेट कर दिया ना, कैटेगरी वाला, पर ये वर्ग स्क्वायर वाला ही है। ठीक है चलिए भाई, चलिए जाति पे पहुंच गया ये, नौ पे आ जाओ। नौ पे पेरिस, एथेंस, लंदन, न्यूयॉर्क, चूंकि ये राजधानी नहीं है, फ्रांस की, यूनान की, इंग्लैंड की, यूके की, पोलैंड, कोरिया, स्पेन, ग्रीस। अब यहां चेक करेगा आपकी जीके, जीके चेक कर रहा है ये, एशिया, बाकी कहां, यूरोप, जीके चेक कर लेता है कभी कभी। ठीक है
रद्द करना, निष्प्रभाव करना, मिटा देना, लागू करना, नहीं समझ में आ रहा तो इधर से देख सकते हो। बाकी सब तो कैंसिल की बात हो रही है। कितने हैं ऐसे? चलो आज ज्यादा ही लिख दिए। प्रैक्टिस हो रही है, कोई बात नहीं, आप देख पा रहे हैं आपके कितने सही निकल रहे हैं। पुरस्कार, प्रशंसा, प्रेरित, दंड बता दो, बहुत आसान है। बाकी सब में तो पुरस्कार ही मिल ही रहा, कुछ इसमें भी मिल रहा हालांकि, पर ये इसे कोई नहीं लेना चाहता, बाकी सब सब लेना चाहते हैं। ये बात नम्रता, शालीनता, सादगी, मिथ्याभिमान, घमंड बोलते हैं जिसको, घमंड, यही नेगेटिव चीज है, बाकी सब तो पॉजिटिव एनर्जी है। दृढ़, गंभीर, स्वीकार्य, नकचढ़ा, हाँ, बाकी सब देखिए, डिटरमाइंड, सीरियस, एक्सेप्टेबल, चूजी, बाकी सब आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते किसी चीज को, तो ये ठीक है भाई लिया जो भी कुछ है, तो उस टाइप का है कह सकते हैं। पुरस्कार, उपहार, इनाम, दान, ये तो किसी विशेष ओकेजन पे दिए जाते हैं, किसी को जिसने कुछ विशेष कार्य किया हो, इसमें आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप तो कोई विशेष करोगे नहीं। आगे आवाज मत करो, सीरियस होके समझो, ज्यादा होशियार मत बनो। डी, ठीक है, तुम्हारा लगा देते हैं। सांप, मगर, छिपकली, पेंगुइन, ये सब क्या है? सरीसृप, ठीक है। चलिए, ढोलक, मदाल, मृदंग, तबला, बताओ। इसमें जो उत्तर दिया था वो दिया था, बाकी चीजें दोनों तरफ से बज सकती हैं, एक तरफ से बजेगा, कौन सी चीज है ऐसी? तबला। तबला एक ही तरफ से बजता है, ठीक है, तबला एक ही तरफ से बजता है, बाकी चीजें दोनों तरफ से बजती हैं, हो गया, ठीक है। चलिए, चना, जौ, गेहूं, मूंग, मूंग, बहुत बढ़िया, ये सब रबी की फसल है, जी के पूछ रहा, और किसान के बेटे हो तो इसको गलत नहीं करना है, ये मूंजी के साथ बोई जाए, गेहूं के साथ, बस समझ लो चावल के साथ बोती है, ठीक है। हैजा, चेचक, भाई आवाज आ रही है पीछे तक, सही है, हैजा, चेचक, क्षय रोग, आंत्र ज्वर, बताओ भाई, यहां फिर जीके है बायोलॉजी वाली, कुछ बैक्टीरिया से होते हैं और एक चीज होती है यहां वायरस से, अब बता दो कौन सी है? चेचक, चिकन फॉक्स, सही है, ये सब बैक्टीरिया से होते हैं, इन दोनों में चेक कर लेना एक बार कौन सा है, एक है इनमें वायरस से, या तो ये है या ये है, चिकन फॉक्स वायरस से, तो यही है फिर, ये सब ये दोनों तो बैक्टीरिया है। अमृत सेन, किस लिए? बहुत बढ़िया, ऐसा भी पूछ लेता, देखो इन्हें भी नोबेल मिला, इन्हें भी नोबेल मिला, इन्हें भी नोबेल मिला, इन्हें नहीं मिला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, भारत रत्न मिला है क्या रविन्द्रनाथ टैगोर को? भारत रत्न में नाम आता है, फिर तो ठीक है, चलो ठीक है, भारत रत्न चेक कर लेना एक बार,
फिर तो वही हो जाएगा, ठीक है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, सितंबर क्यों 30 का, बाकी 31 के हैं। आराम से यूनिट पढ़ रहे हो, इतना तो जान ही जाओगे कि भाई कोई दिक्कत नहीं। तो आज के क्वेश्चन ये थे और आपको पता लगी, अब बुक से हम छोड़ेंगे नहीं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। कुछ नए भी आए तो आप उन्हें पुराने कर देना कर कर के, ठीक। आगे बढ़ते हैं टाइप टू पर, कल बढ़ेंगे कोई बात नहीं, आज ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो कल टाइप टू और टाइप थ्री दोनों ख़त्म कर लेंगे। खूब क्वेश्चन है इसके भी हमारे पास, ज़्यादा नहीं है इसके, ठीक है भाई, ये हम लोग कल करेंगे।